हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कलाभूमि आर्ट्स में। आज मैं अपने नन्हे मुन्ने जो है स्टूडेंट्स के साथ में एक टॉक व्यू के लिए बैठा हूँ। और खासतौर पर अगर बात करें तो ये काफी नेसेसरी हो गया था, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अब बाहर लग चुकी है BFA को लेकर। BFA एक ऐसा जो है क्वेश्चन मार्क बन चुका है स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद को उड़ा रहा है। BFA जानते तो हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सर BFA में होगा क्या, स्कोप क्या है, स्ट्रीम्स क्या हैं, और BFA का एग्जाम जितना पास आ रहा है मेरी धड़कनें बंद हो रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है। सॉल्यूशन कीजिए BFA के बारे में कि BFA है क्या। स्टूडेंट्स से आपको जो है रूबरू कराना चाहूंगा। काफी डिफरेंस ये है इस बैच के अंदर के ये बच्चे काफी दूर से हैं, और दूसरे जैसे मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि बच्चे इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि उनको कहीं ना कहीं टॉप कॉलेजेस के अंदर अपना एक जो है टारगेट बना के चल रहे हैं और अपना करियर जो है बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है देखना चाह रहे हैं, सपने लेते हैं, इसलिए दिल्ली शहर में आते हैं। और दिल्ली में एक ही नाम है जो है कलाभूमि। कलाभूमि के कहीं ना कहीं ऐसे यूट्यूब चैनल्स के जरिए जो है वो अपनी चीजों को कई चीजें समझ पाते हैं, कई चीजें शायद उनकी ये होती कि सर हम जब तक प्रैक्टिकली अपने पेरेंट्स को मनवा के और यहाँ तक का सफर वो तय कर लेते हैं। और बड़े कॉलेजेस अगर बात करें तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, BHU, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, यानी कि काफी बड़े ऐसे टॉप कॉलेजेस जहाँ से काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है निकले हैं, वहां से वो आर्टिस्ट बन के तैयार होते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पेंटिंग, अप्लाइड और विजुअल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट इनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है तो काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सर BFA होगा कैसे। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशंस ले रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनसे हम सीधा रूबरू आपको कराएंगे और सीधे इनसे इनके दिलों के हाल को जो है जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में चल क्या रहा। सर, जैसे मैंने BFA में पेंटिंग के लिए अप्लाई किया है, तो मतलब पेंटिंग में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं या थ्योरी के होते हैं? नहीं बेटा, BFA का मैं सबसे पहले आपको ये चीजें डिफाइन करना चाहूंगा कि पेंटिंग डिपार्टमेंट अगर आपने फील किया है, ये आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है। पेंटिंग में आप BFA करना चाहते हैं और पेंटिंग के अंदर अगर बात करें, अगर एंट्रेंस में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 75% आपका प्रैक्टिकल आपको चेज करना है, आपका स्टिल लाइफ और आपका कंपोजिशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो 25% आपका थ्योरिकल होता है जो कि ऑप्शनल है, वो आप इजीली आपका GK, आपका जो भी आपने फील किया करंट अफेयर्स वगैरह, वो आपको एग्जाम आपको देना है, थ्योरी का एग्जाम देना है। अब पिछले 2 सालों में जब से कोविड के बाद जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो उसमें इन्होंने CUET एग्जाम का भी इन्होंने एक पैटर्न जो है डाल दिया है, जो कि कुछ कॉलेजेस के अंदर कंपल्सरी, कुछ में उन्होंने अपेयर भी नहीं किया, जैसे जामिया में उनका CUET एग्जाम नहीं है। मेन आपका एंट्रेंस है वो है आपका स्टिल लाइफ का। सामान जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखे हुए हैं, सबसे पहले उसको आपको मेजर करना आना चाहिए। मेजर करने के लिए आपको सावधानी रखनी है कि आप अपने टूल्स यानी कि अपनी पेंसिल को आप स्केट जरूर करें, क्योंकि वहां पर ना तो आपको स्केल यूज करने की आपको परमिशन है या फिर आप कोई और दूसरे चीजें यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और वहां पर आपका सिर्फ एक ही आकलन देखा जाएगा कि आप कितने एक्यूरेट हो, कितने प्रोफेशनल हो अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को लेकर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को आप कम से कम 4 से 5 पेंसिल्स अपनी डिफरेंट वे में जो है लेके चलें, जिसके कुछ के आपके पॉइंट्स शार्प हों, कुछ आपके शार्प ना हो, जिससे कि आपको शेडिंग करने में, उसकी हैचिंग करने में आपको इजी आपको हो जाए। और आप खास तौर पे इरेजर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इरेजर इस्तेमाल करते हैं तो ये देखा गया है कि आपकी जो शीट की जो नेचुरल जो क्वालिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें डाउट में आ जाती हैं, और जो एग्जामिनर है वो सोचते हैं कि बच्चा अपने काम को बनाते वक्त कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है और वो कहीं ना कहीं डर रहा है। वहां पे दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है बेटा कि आप चीजों को अपने कॉन्फिडेंस से कितना अच्छे से आप अटेंड कर पा रहे हैं, अपने शेप्स को कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी पोजीशन में जब आप बैठेंगे तो बीच में आपको अपना सब्जेक्ट आपको नजर आएगा, सब्जेक्ट को आपको मेजर करना आपको आना चाहिए। और मेजरमेंट का यहाँ तक भी जो है बताया गया है कि सबसे पहले आप उसका छोटा लेआउट जरूर बना लें। अब लेआउट के फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फायदे यहाँ तक बताए गए हैं कि जब आप किसी चीज को बड़ा देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो प्रॉपरली बनेगा किस साइज में, उसका साइज मैं कैसे लूं, उसको कहां से मैं स्टार्ट करूं, कहां से मैं उसको फिनिश करूं। ये गहमा गहमी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देती है और आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है।
इसमें सबसे पहले अपने कॉर्नर में एक आप लेआउट बना लें, मीन्स एक छोटा सा लेआउट बना के उसको सेंट्रलाइज आप जो है पॉइंटेड कर लें। उसके बाद सबसे पहले देखिए अगर पर्सपेक्टिव सामने दिख रहा है, मीन्स कोई बुक रखी गई है या कोई ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा आपको टफ लग रहा है कि मैं उसको, सबसे पहले आपको बेस से स्टार्ट करना है। जब आप बेस बनाएंगे तो उसके बाद जो भी चीज उसके ऊपर रखी गई है उसको आप मेजर करेंगे। तो आपको साइज कैसे लेना है वो मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि आपको एक आई मेजर करना है, तब आपको पता चलेगा, तो आप अपनी शीट पे आप अपना मार्क लगा सकते हैं और एक सब्जेक्ट से फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को आप अटैच करेंगे। मीन्स ये आपको देखना कि आपका दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे कितना रिलेटेड है। और दोस्तों सबसे ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो लाइनिंग की आएगी। लाइनिंग के बाद सबसे उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका पर्सपेक्टिव, मीन्स जो आपके पास में है वो बड़ी बनेगी, जो उससे थोड़ी छोटी है वो उससे कम डिटेलिंग में बनेगी और छोटी बनेगी। वो सिर्फ आपके स्किल्स देखना चाहते हैं, आपके पिलर्स देखना चाहते हैं कि बच्चा कितने देरी के अंदर कितने स्ट्रोक से एक ऑब्जेक्ट को जो है अटेम्प्ट कर पा रहा है। आपके हाथ के फ्रेम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक परफेक्ट फ्रेम बनाएं, चाहे वो वर्टिकल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल बन रहा है, वही आपकी स्टिल लाइफ को परफेक्ट एक डायरेक्शन देगा। यहाँ तक देखेगा बेटा जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है ना बच्चों ने, उन बच्चों का जो भी सिर्फ 10th और 12th पास है बेचारे, वो पूरी शीट पे इतना सा बना के आ जाते हैं, पूरा डिटेलिंग जहाँ तक आपकी ड्रेपरी नीचे तक जो है लगी हुई है। तो अगर कोई भी स्टिल लाइफ सिंपल वे में बात करें, किसी टेबल या किसी स्टूल के ऊपर अगर रखी गई है और पीछे ड्रेपरी का कपड़ा लगा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपना एक फ्रेम डिसाइड करना है और जो ड्रेपरी जहाँ पर टेबल का बेस है, अगर बुक रखी गई है या कोई फ्लैट ऐसा सरफेस जो है रखा गया है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है आपको वहां तक आप अपना फ्रेम बनाएंगे, ना कि आप पूरी टेबल बनाएंगे। शीट आपकी बड़ी होती है, A2 साइज की आपकी शीट होती है, तो उस पर आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मेजर करना शुरू करें। तो मेजर का तरीका यही बताया, अगर आपको उसका टॉप बनाना है तो आप अपने पेंसिल के टूल्स का जो आपका रिफिल का पॉइंट है उस पॉइंट से आप उसको मार्क करेंगे, फिर अपनी शीट पे आप अपना पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है और चार गुना भी हो सकता है, वो साइज पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना बड़ा अरेंज कर रहे हैं, कितना बड़ा आप बना रहे हैं। देखो फ्रीलांस जब आर्टिस्ट के पास टेक्निकल या मैथमेटिकल वाली नॉलेज नहीं थी तो वो सारा काम फ्री हैंड ही तो करते थे, उनसे बहुत स्ट्रेट वे में जो है उनके स्ट्रोक्स लगते थे और उनके हाथ की मूवमेंट्स काफ़ी क्लियर थी कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना जानते थे और अपने एक एक स्ट्रोक से सांस को होल्ड करते हुए वो सीधी लाइन डाल देते थे। डिफरेंट तरीके से आपको लाइंस को क्रिएट करना, लाइन को चलाना, लाइन को अरेंज करना और लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, लाइनों की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल का प्रेशर किस तरीके से स्ट्रोक के तौर पे चला सकते हैं वो आपको करना होगा। आप शेडिंग के वक्त आप सिर्फ डिटेलिंग करने ना बैठ जाएं, इसके चलते आपको क्रॉस हैचिंग, हैचिंग से आपको जो है डॉट से आपको या किसी भी तरीके से आपको स्केल को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए ताकि पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वो अरेंज हो जाए। देखिए लाइटिंग का सोर्स ऑफ लाइट का मेन एक ही, राइट से आएगी या लेफ्ट से आएगी, जब सोर्स ऑफ लाइट कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे डलती है तो वो सीधे डलते हुए उसके मेन सेंटर पॉइंट पे ज़्यादा लाइट डालती है और जहाँ पर उसकी कोई शेप बनी हुई है, कोई डार्क ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ कर्व है, तो वहाँ पर वो अंधेरा आता है। तो वो चीज़ तो आप सोर्स ऑफ लाइट को आप स्टडी करते हुए आपको बहुत ईजी वे में पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखी गई है और लाइट अगर राइट वे में आ रही है तो जो उसके कर्व वाली शेप है जो वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगी, जिसके चलते वहाँ पर डार्क स्नैक्स बनेगी बनेगी और लाइट गुजरते हुए उसके मेन सेंटर पॉइंट या फिर जो चीज़ उभरी हुई है वहाँ पर लाइट ज़्यादा आपको नजर आएगी, तो वो चीज़ आप नेचुरल आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं।